इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पीएम किसान योजना का 14वीं किस्त जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है 27 जुलाई को दोपहर में, लेकिन बहुत लोगों का पैसा नहीं आया। तो हम बात करते हैं कि क्यों नहीं आया, क्या कारण है, और किन लोगों का आया है, किन लोगों का नहीं आया, कितने लोगों का आया है, कितने लोगों का नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है, यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपका उसमें दिखाएगा क्या है क्या नहीं है। और जो लोग रजिस्ट्रेशन अपना भूल गए हैं तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पर दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ से जैसे दबाएंगे उसके बाद इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मोबाइल नंबर डालना जो उसमें पड़ा है, या फिर आधार नंबर भी डाल सकते हैं जो उसमें आधार नंबर पड़ा है, और आधार नंबर में जो मोबाइल होगा उस पर OTP आ जाएगा, या फिर जो पीएम किसान में मोबाइल पड़ा है वो डालेंगे मोबाइल नंबर, और इस कैप्चे को इसमें डालेंगे जो इस बगल में दिया है, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर इसमें डालना है। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे, OTP आ जाएगा आपके मोबाइल पर, उसको OTP डालेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाल करके और कैप्चा डाल करके गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, आपका स्टेटस चेक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्यों नहीं आया। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइव वीडियो मैं स्ट्रीम कर रहा था जो कि कई घंटे स्ट्रीम हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 1,10,000 लोग देखे हैं, इसमें से 3,000 लोगों ने वोट किया है। तो इसमें पूछा गया आपका पैसा आ गया, तो यहाँ पर हाँ 23% लोगों ने किया है 100% में से, और नहीं 77% लोगों ने किया है, यानी कि 100 में से जो है केवल 20-25% लोगों का पैसा आया है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। और यह जो है, अब इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो और लोगों का भी आ चुका होगा, क्योंकि टाइम लगता है, सभी का अलग अलग होता है क्या क्या स्टेटस में क्या दिखता है, तो कब आता है कितने दिन पे वो भी बता देते हैं आपको। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने दो पोस्ट बनाया है, देख सकते हैं ये है, इसमें बताया गया है क्या क्या स्टेटस में अगर लिखा है तो क्या दिक्कत होती है और कितने दिन में पैसा आता है, उसका पूरा मतलब यहाँ पर बताया गया है। जैसे फंड ट्रांसफ़र आर्डर FTO होता है, एक होता है RFT साइनड बाई स्टेट, एक होता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई स्टेट भी लिखा होता है। तो बहुत सारा चीज़ होता है, उसका मतलब यहाँ पर आकर के जान सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल दी गई है क्यों नहीं आता है, और यहाँ पर स्टेटस अभी चेक करने के लिए भी बताया है, और पूरा डिटेल में यहाँ पर जानकारी है। तो इसके लिए इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं बोर्ड रिजल्ट, उसके बाद वेबसाइट है इस पर क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद ये दोनों आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल दिया है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जिन लोगों का नहीं आया है, उसमें कई कारण हो सकते हैं। जिनका फंड ट्रांसफ़र आर्डर यानी FTO दिया है प्रोसेस्ड, उनका आ जाएगा 2-3 दिन में, और जिनका दिया है FTO नो दिया है अगर, तो उनका अभी कुछ नहीं होगा। और जिन लोगों का यहाँ पर दे दिया है RFT साइनेड बाई स्टेट, उनका 1 हफ्ते में आ सकता है, हो सकता है 15 दिन भी लग जाए, और जिनका दिया वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई स्टेट, उनका 1 महीने भी लग सकता है। तो इस तरह से है, और कुछ लोगों का जैसे ट्रांसफ़र हुआ तुरंत आ गया है। तो बाकी और कोई कारण है, और KYC बैकग्राउंड जिन लोगों का दिक्कत हो गया है उन लोगों का नहीं पैसा भेजा गया है। और अब की बार जो है केवल 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पैसे आए हैं, धीरे धीरे कम लोग होते ही जा रहे हैं, बाकी छंट जा रहे हैं।